गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं मॉडल टेस्ट पेपर 4, जो बिहार एसआई मेंस, बिहार एसएससी मेंस और बिहार ईएसआई के लिए चलाई जा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। युवा भारतीय स्टेडियम स्थित है, इसका सही आंसर होगा कोलकाता। युवा भारतीय स्टेडियम फुटबॉल खेल से संबंधित है, इसे साल्ट लैक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। यह स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है और इसमें लगभग 1,20,000 लोग बैठ सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली, दिल्ली में है जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में है। यह भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है और इसमें लगभग 25,000 लोग बैठ सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है मुंबई, मुंबई में है बानखेड़े स्टेडियम। फोर ऑप्शन है कानपुर, कानपुर में है ग्रीन पार्क स्टेडियम। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कोलकाता। आगे देखेंगे सेकंड नंबर। यूएसए का राष्ट्रीय खेल है, तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। बेसबॉल, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। हॉकी भारत की और पाकिस्तान की राष्ट्रीय खेल हॉकी है, इसमें प्लेयर की संख्या 11 होती है। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल श्रीलंका की राष्ट्रीय खेल है और इसमें प्लेयर की संख्या 6 होती है। बैडमिंटन यह मलेशिया तथा इंडोनेशिया की राष्ट्रीय खेल है। आगे देखेंगे थर्ड नंबर। बेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक है, तो बेल्थ ऑफ नेशन के लेखक है एडम स्मिथ, इसका सही आंसर होगा बी नंबर, एडम स्मिथ। गुनार मेडल, गुनार मेडल के कुछ पुस्तकें हैं जैसे कि एशियन ड्रामा, एशियन ड्रामा गुनार मेडल की पुस्तक है। होमर की पुस्तक है ओडिसी और इलियड। दंते की पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी। इस तरह से इसका सही आंसर होगा बी नंबर, एडम स्मिथ। आगे देखेंगे फोर्थ नंबर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, सत्यजीत राय, देविका रानी, राज कपूर, लता मंगेशकर। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले मिला था देविका रानी को, इनको 1969 में मिला था। सत्यजीत राय को 1984 में मिला था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। राज कपूर को 1987 में मिला था एवं लता मंगेशकर को 1989 में मिला था। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, देविका रानी। आगे देखेंगे 2015 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन से हैं। तो 2015 में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय दोनों को मिला था, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी नंबर। भीम सेन जोशी को भारत रत्न मिला था 2008 में। आगे देखेंगे सिक्स नंबर। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा पुणे, पुणे में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस स्थित है। कोलकाता में क्या है, तो कोलकाता में है केंद्रीय काच अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय काच अनुसंधान संस्थान कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया। इसका सही आंसर होगा 2016 को नालंदा को विश्व विरासत में शामिल किया गया। और क्या क्या शामिल किया गया है 2016 में, एक नालंदा, उसके बाद है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो कि सिक्किम में है, और तीसरा है ली काबूजियर स्थापत्यकार जो कि चंडीगढ़ में है। 2014 में क्या क्या शामिल किया गया हम देखेंगे, तो रानी की वाव जो कि गुजरात में है तथा ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसको 2014 में शामिल किया गया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नंबर। 64 योगिनी मंदिर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा
एमपी। 64 योगिनी मंदिर एमपी में एमपी के खजुराहो में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 64 योगिनी मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था। उड़ीसा में क्या है, तो उड़ीसा के पुरी में कोणार्क तथा जगन्नाथ के मंदिर स्थित है, कोणार्क मंदिर एवं जगन्नाथ मंदिर। राजस्थान में क्या है, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। आगे देखेंगे 9 नंबर, किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है और 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन पर किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को क्या है, तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को हम सबको पता है एड्स दिवस मनाया जाता है एवं 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे 10 नंबर, इंटरपोल संगठन का मुख्यालय है, तो इंटरपोल का मुख्यालय है पेरिस, और पेरिस में क्या क्या है, तो WHO का मुख्यालय पेरिस में है। गैट का मुख्यालय भी पेरिस में है। वियना में ओपेक का मुख्यालय है। आगे देखेंगे 11 नंबर, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बाब एल मंदेव की जल संधि हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, पिग्मी जनजाति किस नदी घाटी में पाई जाती है, तो पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है। आगे देखेंगे, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था, तो पहला परमाणु घर विश्व का अमेरिका में स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, तो प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन विस्तार है, तो एक क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से और एक होता है परसेंटेज की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन है मध्य प्रदेश में, एवं प्रतिशत के दृष्टि से पूछे तो सर्वाधिक वन क्षेत्र है मिजोरम में। आगे देखेंगे 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, चावल यूपी, मूंगफली गुजरात सही है, प्याज सबसे ज्यादा होता है महाराष्ट्र में, गेहूं सबसे ज्यादा यूपी में, चावल सबसे ज्यादा होता है वेस्ट बंगाल में, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, ए सुमेलित नहीं है। आगे देखेंगे 17 नंबर, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की देन है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। आगे देखेंगे 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नए राज्य का निर्माण करना अनुच्छेद 2 में बिल्कुल सही है, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में बिल्कुल सही है, गिरफ्तारी और विरोध का संरक्षण अनुच्छेद 22 में ये भी सही है, राष्ट्रपति का विधेयक अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 31 में यह गलत है। इस तरह से इसका आंसर होगा डी नंबर। आगे देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत की गई है, अनुच्छेद 40 में पंचायती ग्राम पंचायत का गठन किया गया, अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत का गठन। इस तरह से नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 36-51 तक नीति निर्देशक तत्व आता है। इस तरह से इसका आंसर होगा सी नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में।
आगे देखेंगे 20 नंबर, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है। प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में, संसद में, तो कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होता है। अनुच्छेद 51(1) के अनुसार संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। इस तरह से इसका सही आंसर होगा सी नंबर। आगे देखेंगे 21। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो हम सब जानते हैं भारत के दस्तावेज से संबंधित है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र भारत सरकार तथा किसी भी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक जानकारी व्हाइट पेपर पर ही जारी की जाती है। इस तरह से इसका सही आंसर होगा श्वेत पत्र। आगे देखेंगे, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है होता है NO2, SO2, PB, HG। तो इसका सही आंसर होगा PB, इट मीन्स शीशा। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक शीशा होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी नंबर। आगे देखेंगे 23। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक वायु प्रदूषक है और यह रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे कि रक्त में ऑक्सीजन वहन की क्षमता कम जाती है और लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा डी नंबर, हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। आगे देखेंगे 24 नंबर, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, पोटेशियम। पोटेशियम का अच्छे स्रोत क्या क्या होते हैं? तो मांस, मछली, अनाज, फल, ये सब पोटेशियम के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। आगे देखेंगे 25 नंबर, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो प्रथम एंटीबायोटिक क्या है? पेंसिलिन। इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ए फ्लेमिंग। पेंसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में करने के बाद ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को प्रसिद्धि मिली, यानी यह प्रसिद्ध हुए पेंसिलिन की खोज के बाद ही। पेंसिलिन के खोज के लिए इन्हें 1945 ईस्वी में संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल प्राइज भी मिला है। 1923 ईस्वी में इन्होंने लिसोजाइम नामक एंजाइम की भी खोज की थी। इसका सही आंसर होगा डी नंबर। आगे देखेंगे 26। निम्न में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचालन की व्यवस्था व्याख्या की थी? तो रुधिर परिसंचालन से संबंध है हार्वे का। हार्वे इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। आगे देखेंगे 27 नंबर, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है? तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश, पानी और CO2 भोजन बनाने के लिए अभिकारक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश, पानी और CO2, जबकि ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन इनका उत्पाद होता है, एवं अंतिम रूप से उत्पाद कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और स्टार्च होता है। अंतिम रूप से उत्पाद क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और स्टार्च। इस तरह से इसका सही आंसर होगा ए नंबर, कार्बोहाइड्रेट। आगे देखेंगे 28। इंद्रधनुष किस कारण से बनती है? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, अपवर्तन तथा प्रवर्तन से इंद्रधनुष बनती है। अपवर्तन, प्रवर्तन एवं फैलाव के कारण बनने वाला एक संयोजक होता है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किससे किया जाता है? कार्नालाइट,
इसका सही आंसर होगा सी नंबर, कर्नल लाइट। आगे देखेंगे 30 नंबर, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इनके मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप। महाकश्यप गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध संगीति की प्रथम बौद्ध संगीति के लिए बौद्ध संघ के प्रथम बौद्ध संगीति के लिए सभापति के रूप में महाकश्यप को ही चुना गया था। आगे देखेंगे 31 नंबर, यहाँ होगा बौद्ध संगीति। सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। इसमें पूछ रहा है कि बौद्ध संगीति का सही काल क्या है। तो सबसे पहले बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में, उसके बाद दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, एवं चौथी हुई थी कुंडलवन में। इस तरह से इसका सही मिलान है 2, 1, 4, 3। आगे देखेंगे 32 नंबर, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? तो गुप्त राज में भू राजस्व की दर 1/6 थी, तो उपज का छठा भाग, ए नंबर होगा ऑप्शन, उपज का छठा भाग। और उपज के छठा भाग को क्या कहते हैं, भाग नाम से भी जाना जाता है, जो तत्कालीन राजस्व का मुख्य स्रोत होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 1556 अकबर का राज्याभिषेक, ये बिल्कुल सही है। 1556 ईस्वी में ही अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलनौर में हुआ था। बी नंबर 1600 ईस्वी, ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र यानी चार्टर का प्रदान 1600 ईस्वी में ही दिया गया था। इसका डेट कब था, 31 दिसंबर 1600 को। बी ऑप्शन भी सही है। सी नंबर 1739 नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, ये भी बिल्कुल सही है। 1739 में ही नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, और मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच करनाल का युद्ध हुआ था 24 फरवरी 1739 को ही, ये भी बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन गलत है। 1680 में क्या हुआ था, 1680 में शिवाजी का देहांत हुआ था, 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हुई थी। इस तरह से इसका डी ऑप्शन सही होगा। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। आगे देखेंगे 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है, डी नंबर ऑप्शन होगा वीणा। इसका प्रयोग यानी वीणा का प्रयोग शास्त्रीय संगीत में भी किया जाता है। आगे देखेंगे 35 नंबर, हो विद्रोह हुआ था, तो कब हुआ था हो विद्रोह, तो 1820-21 के दौरान हुआ था। हो विद्रोह छोटा नागपुर तथा सिंहभूम के रहने वाले हो तथा मुंडा ने किया था हो विद्रोह। 1831 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संघर्ष भी इन्होंने किया था, तो इसका कार्यकाल 1820-22 में था, उसके बाद 1831 में भी ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने विद्रोह किया था। आगे देखेंगे 36 नंबर, बी आर अम्बेडकर ने किन किन संस्थानों की स्थापना की? दलित वर्ग कल्याण संस्थान यानी बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 में, सही है इन्होंने किया था। अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925 में, ये भी सही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में, ये भी सही है। अनुसूचित जनजाति संघ 1942 में। इस तरह से इसका चारों ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर 1, 2, 3, 4, चारों बी आर अम्बेडकर के द्वारा स्थापना किया गया है। आगे देखेंगे 37 नंबर,
तेभागा आंदोलन था। तो तेभागा आंदोलन क्या से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर वन, जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। तेभागा आंदोलन बंगाल में प्रसिद्ध आंदोलन है। तेभागा आंदोलन कहाँ का आंदोलन है? बंगाल में यह हुआ था। इसमें किसानों से लगान की दर 1/3 करने को लेकर संघर्ष हुआ था। और तेभागा आंदोलन के प्रमुख नेता थे कंपाराम सिंह। कंपाराम सिंह आगे देखेंगे। 38 नंबर, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। तो 1908 कास्ट अधिनियम में रोक लगाई थी वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर रोक लगाई थी। छोटा नागपुर के अर्थव्यवस्था उस समय वनों पर ही आधारित था, लेकिन 1908 ईस्वी में क्या हुआ था? 1908 ईस्वी में काश्तकारी अधिनियम ने उनके वनों के स्वतंत्र उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण आदिवासी अंग्रेज के विरोध संघर्ष करने लगे थे। तो इस तरह से यह वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग से संबंधित है, छोटा नागपुर के कास्त अधिनियम। आगे देखेंगे 39 नंबर, खेड़ा के किसान के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? पहला नंबर है, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की। तो ए नंबर ही इसका, केवल ए ही सही है। क्या हुआ था खेड़ा आंदोलन में? तो गुजरात के खेड़ा जिले में अंग्रेज के कर वसूली के विरुद्ध यह आंदोलन था, खेड़ा आंदोलन था। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। उस समय क्या हुआ था कि पूरे गुजरात में किसानों की फसल लगभग बर्बाद हो गई थी, 1/4 भी नहीं बच पाए थे, जिसके कारण किसान लगान देना नहीं चाहती थी, वह लगान की माफी चाहती थी। लेकिन सरकार अधिकारी जो थे वो उनके बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके विरुद्ध में किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खेड़ा आंदोलन किया था। इस तरह से ए नंबर सही है, तो केवल ए नंबर सही होगा। आगे देखेंगे 40 नंबर, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। तो पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाने का मतलब है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण में होता क्या है? इसमें सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा शुरू करती है। ऐसा कब होता है? जब काला धन बढ़ जाता है और देश के अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है। इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को 501,000 रुपये के नोट बंद कर दिए गई थी एवं उसके जगह पे दूसरी नोट चलाई गई थी। तो क्या हुआ था उस टाइम? विमुद्रीकरण। भारत के चौथे प्रधानमंत्री जो मोरारजी देसाई थे, उन्होंने 1978 में पहली बार विमुद्रीकरण किया था, जिसमें 1,000 और 5,000 के नोट को बंद कर दिए गए थे। आगे देखेंगे 41 नंबर, बाजार के नियम प्रस्तुत करता थे। तो बाजार के नियम से कौन संबंधित है? जेबी से, बी नंबर ऑप्शन। देखते हैं बाजार का नियम होता क्या है। तो इस नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। और बाजार के नियम के अनुसार ये भी कहा जाता है, जिस अनुपात में पूर्ति बढ़ती या घटती है उसी अनुपात में उत्पाद के साधन के क्रय शक्ति और मांग भी बढ़ती रहती है। इस प्रकार मांग और पूर्ति सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यह नियम किनका है? जेबी से। आगे देखेंगे 42 नंबर, मुद्रा संकुचन का कारण होता है। तो मुद्रा संकुचन का क्या कारण होता है? माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। मुद्रा संकुचन होता क्या है? जब वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल में निरंतर बढ़ोतरी होती है तो उसे मुद्रा स्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा स्फीति। जब वस्तुओं और सेवाओं के मूल में निरंतर बढ़ोतरी होती है, जबकि इसके विपरीत जब वस्तु एवं सेवाओं के मूल में निरंतर कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं?
मुद्रा संकुचन या अपस्फीति, अपस्फीति एवं या मुद्रा संकुचन कहते हैं। इस तरह से क्या हो जाएगा, माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी क्या कहलाता है, मुद्रा संकुचन। आगे देखेंगे 43 नंबर, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाख का नियंत्रण कौन करता है, तो आरबीआई करता है। यह जनित शाख का नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई। आगे देखेंगे 44 नंबर, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा। इसका सही आंसर होगा असम। असम में क्या हुआ है, असम में अचानक से 2500 से भी अधिक सुअरों की मौत तो हो गई थी, स्वाइन फीवर, इसमें 2500 से अधिक सुअरों की मौत हो गई थी। असम की बात करते हैं तो असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, सर्वानंद सोनोवाल। असम राज्य में प्रज्ञा नाम से रेडियो चैनल शुरू किया गया है, अभी रिसेंटली प्रज्ञा नाम से रेडियो चैनल शुरू किया गया है। आगे देखेंगे 45 नंबर, किस राज्य सरकार ने प्रवासी मित्र ऐप जारी की है, तो प्रवासी मित्र ऐप जारी की है उत्तर प्रदेश ने। इस ऐप का मकसद है यूपी में आने वाली प्रवासी नागरिकों को सरकारी योजना का लाभ देना, स्वास्थ्य की निगरानी देखभाल निगरानी करना तथा कौशल विकास एवं उनके आजीविका प्रदान करना, इस ऐप का मुख्य लक्ष्य है। यह वहां के उत्तर प्रदेश के सीएम ने इस ऐप जारी किया है। आगे देखेंगे 46 नंबर, 2020 में 20 प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है, तो 2020 में 9 मई को 20 प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। यह हमेशा मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, 20 प्रवासी पक्षी दिवस हमेशा मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, और यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार मई में तथा दूसरी बार अक्टूबर में। इस बार 2020 में जो मनाया गया 20 प्रवासी पक्षी दिवस, इसका थीम क्या था, वर्ड्स कनेक्ट ओवर वर्ल्ड, क्या था थीम, वर्ड्स कनेक्ट ओवर वर्ल्ड। आगे देखेंगे 47 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ किस राज्य में किया, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। तो इसका आयोजन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का आयोजन गुजरात राज्य में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है खेल एवं शिक्षा के बीच संतुलन स्थापित करना। इसमें जितने भी खिलाड़ी चुने जाएंगे उनको 8 वर्ष के लिए 5,00,000 का वित्तीय सहायता भी दिया जाएगा। यह कहाँ शुरू किया गया है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने हेतु किस पुलिस स्टेशन की स्थापना की है। इसका सही आंसर होगा दिशा पुलिस स्टेशन। दिशा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत क्या क्या किया गया है, यह महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध को निपटाने के लिए किया गया है, और इसमें 18 दिशा पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिसमें 52 पुलिस कर्मी 24 आवर तक तैनात रहेंगे। इसके लिए एक विशेष अदालत भी बनाई गई है, जिसमें 21 दिन में सुनवाई पूरी की जाएगी। आगे देखेंगे 49 नंबर, किस राज्य सरकार ने खाद्य सामग्री की घर पर डिलीवरी के लिए ऐप जारी किया है, झारखंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा, केरल। तो खाद्य सामग्री के लिए ऐप जारी किया है झारखंड, इसका क्या नाम है, झारखंड बाजार नाम से ऐप जारी किया है, झारखंड बाजार। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सारेन हैं। झारखंड में ही हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है, और झारखंड का एक योजना है जिसे याद रखेंगे, दाल भात योजना झारखंड सरकार ने शुरू की है। आगे देखेंगे 50 नंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, तो कब मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को। 21 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व योगा दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। इस बार जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है, इसका टैगलाइन क्या है,
टैगलाइन इसका है नर्सों और दवाइयों का सम्मान। क्या है? नर्सों और दवाइयों का सम्मान। इस तरह से आज का 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।